हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गुंजन पाठ्य पुस्तक से मेरा नया बचपन ये कविता पाठ करेंगे और इसको समझेंगे। तो इस कविता के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में कवित्री ने अपने बचपन को याद किया है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती है। कवि ने अपने बचपन की अपनी बेटिया के बचपन के अटखिलियों और शरारतों में ही बचपन की झलक देखी। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। तो कवित्री को अपने बचपन की याद आती है। जब वो अपने बेटी को देखती है तब उन्हें अपने बचपन की याद आती है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वो फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोछ कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती है कि बार बार उनको अपने बचपन की याद आती है। जब बड़े हो जाते हैं तो बचपन की याद सबको आती है। बचपन में किसी तरह का कोई भी चिंता नहीं रहता, सब निडर रहते हैं और बचपन में खेलना खाना बस यही रहता है। और ये सब कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। फिर यहाँ पर है रोना और मचल जाना भी। जब बचपन में कोई भी बच्चा रोता है तो उसको मनाने से वो तुरंत मान भी जाता है। तो ये भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो किसी का आंसू दिखाकर भी हम बड़ों को मना सकते थे बचपन में। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई। जब भी कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ सब काम छोड़कर उसको गोद में उठा लेती है, उसको प्यार करती है, उसको समझाती है, फिर उसके गीले गालों को सुखा देती है पोंछ कर। आजा बचपन एक बार फिर से, दे दे अपनी निर्मल शांति, बेकुल बेता मिटाने वाली वो अपनी प्रकृत विश्रांति। यहाँ पर कवित्री बचपन को एक बार फिर से बुला रही है। वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। जो बचपन में सब निष्पाप होते हैं और सब भले होते हैं, बचपन में बचपन को बुला रही थी। बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। जब कवित्री अपने बचपन को याद कर रही थी तभी उनकी बेटियां ने बोला, तब उनके जो कुटिया थी वो नंदन बन मतलब देवताओं का बन, ऐसा उनका कुटिया जो था वो चारों ओर खिल उठा। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी
माँ काओ हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। तो उसकी बेटी ने कहा कुछ मिट्टी खाकर आई थी, उसके हाथ में कुछ लेकर भी आई थी, और ये ले आने के बाद उसने अपनी माँ को बोला माँ काओ। तो वो ये सुनकर उसकी माँ प्रफुल्लित हृदय, उसकी हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो उठा। उनको गुस्सा नहीं आया। मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वो बचपन फिर से आया। तो यहाँ पर कवित्री बोल रही है कि वो अपनी बच्ची के साथ खेलती है, खाती है, तुतलाती भी है, और उसके साथ मिलकर बच्ची बन जाती है। तो कवित्री जिसे ढूंढ रही थी, वो अपने बिटिया के रूप में उन्हें फिर से वापस मिल गया। तो इस कविता के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और इसका जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। इस वीडियो के लिए, इसको देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।